ये शो रिलेटेड है किड्स को लेके और उन उनके लिए जो एस्पेक्ट्स यूज होने चाहिए बीइंग अ चाइल्ड शो, वो सारे फैक्टर्स को बहुत ध्यान में रखा गया है. उनकी केयर को लेके और किस तरह से वो प्रोजेक्ट को लेके जाना, हर एक लैंग्वेज का खास करके, जैसे बीइंग अ पंजाबी वी यूज टू यू नो यूज सम नॉनसेंस हम यूज करते हैं अपने लैंग्वेज नॉर्मल डेली रूटीन में भी जैसा रहता है. अगर वो जैसे चांदी चौक का दिखाया तो चांदी चौक में गाली गलौज बहुत कुछ चलता है, बट नहीं, खास इंस्ट्रक्शन है, नहीं बच्चों का शो है मैम, हमें उनको थोड़ा दायरे रखना है. तो उसके लिए हम बहुत सारे खुश हैं यार, जब आएगा तो ऑडियंस का क्या रिप्लाई रहेगा. और जब हमने स्क्रिप्ट पहली बार सुनी थी तो मुझे इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज अर्लियर और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे मिक्स इमोशंस एंड कॉमेडी एंड दिस वन इज टोटली कॉमेडी सिंगिंग एंड बट यस फुल ऑन और इमोशंस है जहाँ पे वो हिडन इमोशंस है और इमोशन जब आते हैं आप रो भी पड़ो. शो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितना भी गलत होना है ना ये बच्चे बड़े के साथ युवान के साथ करने वाले, वो उसकी पूरी बैंड बजाने वाले हैं. और ये शो में इट्स नॉट जस्ट ड्रामा, इट्स कॉमेडी एंड ड्रामा, सो यू नो दिस इज व्हाई यू शुड गिव इट अ शो. लाइटर नोट पे बनाया गया है इसे, लेकिन इसमें रोमांस भी है, ड्रामा भी है, सो आई एम श्योर लोग जरूर देखें.